नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 10 आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटर एक्टिव फोन इन सेशन में जिसे हम लेकर आए हैं सोशल साइंस के टेंथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक आपके साथ हम शेयर करते हैं टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय भाग एक इस पर आपको जानकारी दी जाएगी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ और किस प्रकार हुआ आप अपने सभी प्रश्नों के साथ हमसे जुड़ सकते हैं लेकिन उससे पहले हम परिचय लेते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ का जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आप ऋषि जन्मजय शर्मा आप टी हिस्ट्री हैं सर्वोदय कन्या विद्यालय गोकुलपुरी दिल्ली से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार धन्यवाद और जैसे बच्चों हमने आपको बताया कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय भाग एक इस विषय पर हम बात करने वाले हैं अपने सभी सवाल आप हम तक पहुंचाएंगे फ़ोन कॉल के माध्यम से हमारा टेलीफोन नंबर है डबल एट डबल ज़ीरो डबल फोर ज़ीरो डबल फाइव नाइन या फिर आप ईमेल के माध्यम से भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं हमारा ई एड्रेस है डी टी एच डॉट क्लास टेंथ एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन

India's G20 presidency would be a watershed moment in her history, as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for mm. the well-being of all. And in doing so, manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or we can say, the whole world is one family. उट वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हम वापस आते हैं अपने सत्र में जिसमें हम बात करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ किस प्रकार हुआ तो सर ये हमारा आज का विषय है जैसे हमने अपने सभी बच्चों को बताया लेकिन सबसे पहले और इस सेशन की शुरुआत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्र क्या है सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे आ, सभी का नमस्कार प्यारे बच्चों राष्ट्र शब्द हमने अक्सर सुना है और इसके हम बहुत सारे अर्थ भी अपने हिसाब से लगा लेते हैं लेकिन आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रवास्तव में क्या है जो जिस अर्थ में हम देश को लेते हैं राष्ट्र उससे अलग है जी जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत एक राष्ट्र है पाकिस्तान एक राष्ट्र है हमारा पड़ोसी मुल्क है तो दोनों में अंतर क्या है किस आधार पर हम ये कहेंगे कि भारत एक राष्ट्र है और पाकिस्तान एक राष्ट्र है क्योंकि अगर हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो वहाँ के लोग उनका रहन सहन उनकी नस्ल उनके कपड़े उनके रीति रिवाज उनके उनका धर्म उनकी सभ्यता संस्कृति भाषा बहुत हद तक हमारे जैसी ही है तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक देश को एक राष्ट्र के रूप में पहचानने को हमें अवसर देती है या राष्ट्र बनाती है उन चीज़ों पर हम आज बात करेंगे तो सबसे पहले प्यारे बच्चों में ये बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जो राष्ट्र बनने के एक मुख्य आधार बनते हैं प्यारे बच्चों राष्ट्र एक लंबे प्रयासों त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु है यानी राष्ट्र वो चीज है जिसके लिए आप अपने सबसे प्यारी चीज सबसे प्यारी वस्तु को भी कुर्बान करने के लिए तत्पर रहते हैं राष्ट्र वो चीज है और उसको प्राप्त करने के लिए बहुत लंबे प्रयास उसको बनाने के लिए बहुत लंबे प्रयास जो है लगे होते हैं और ये निष्ठा का यानी कि मेरी जो किसी चीज़ के प्रति निष्ठा है या समर्पण है उसका ये चरम बिंदु है ऐसी चीज़ राष्ट्र होती है और इसके कुछ जो मेन आधार हैं कि भाई इसका आधार क्या हो सकता है तो ये आधार हो सकता है वीरता भरा अतीत यानी हमारे जो पूर्वजों की कहानियाँ हैं पूर्वजों के आ, उनके संघर्षों की कहानियाँ हैं प्राचीन गौरव है महापुरुषों के नाम हैं ये उसका आधार हो सकता है साझा संस्कृति भाषा साझा संघर्षों का इतिहास रीति रिवाज राष्ट्र बनने के आधार हो सकते हैं लेकिन प्यारे बच्चों अभी मैंने एक जिक्र किया कि भारत और पाकिस्तान दोनों का इतिहास अगर हम उठा के देखें तो दोनों का इतिहास एक ही है हमारा खान पान एक है हमारी साझा संस्कृति है साझा हमारे संघर्षों की कहानी है साझा हमारे रीति-रिवाज हैं, और वीरता भरा अतीत भी हमारा लगभग समान ही है, लगभग 77 साल पहले ही हम अलग हुए हैं लेकिन ऐसी क्या चीज है जो उनको राष्ट्र यानी उनको एक अलग राष्ट्र बनाती है और हमको अलग राष्ट्र बनाती है तो प्यारे बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात जो एक राष्ट्र बनने का जो आधार है उसको समझना है क्या है उसको ध्यान दें कि अतीत में समान गौरव का होना सबसे पहली आवश्यकता है उसके बाद वर्तमान में एक समान इच्छा और संकल्प का होना यानी जिस भी वजह से हम इकट्ठे हैं तो हमारा संकल्प है कि हम एक साथ रहें रह रहे हैं और इकट्ठे हम काम करने की हमारी इच्छा है जी। एक साथ मिलकर महान काम करने करते हैं यानी जो भी बड़े काम है हम मिलकर कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेशक हमारा इतिहास एक रहा है बेशक हमारे जो रीति रिवाज एक रहे हैं बेशक हम पूर्व में एक साथ मिलजुल कर रहे हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में भी इसी प्रकार साथ मिलकर चलने की हमारी इच्छा है तो प्यारे बच्चों ये ध्यान देने की बात है कि यदि हम साथ मिलकर आगे भी काम करने के इच्छुक हैं तब तो हम एक राष्ट्र बना सकते हैं नहीं तो एक बने बनाए राष्ट्र भी टूट जाते हैं इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आप सोवियत संघ के रूप में ले सकते हैं कि उस सोवियत संघ के लगभग 19 देश अलग हो गए उनकी साझा संस्कृति थी या जिस भी आधार पर उन्होंने राष्ट्र बनाया लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन लोगों में आपस में साथ रहने की भावना नहीं रही तो वो एक अलग अलग राष्ट्र के रूप में आ गए अब इसी प्रश्न को मैं अपने मूल प्रश्न के साथ जोड़ता हूं जो मैंने पहले आपसे पूछा था कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र क्यों हैं जी अब मैं फिर दोबारा याद दिलाऊंगा कि हमारे देश के और उनके देश के यानी हमारा राष्ट्र और उनका राष्ट्र दोनों के लोग एक जैसे हैं देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं भाषा हमारी एक जैसी है हमारा खान पान बिल्कुल एक जैसा है मिलकर हमारे जो है लोगों ने काम किया है पूर्व में लेकिन साथ मिलकर काम करने की इच्छा नहीं रही तो एक बंटवारा हो गया जैसे एक परिवार में बंटवारा होता है तो इसी तरीके से राष्ट्र बनते और बिगड़ते हैं जी, जी। तो सर ये तो रही राष्ट्र की अवधारणा कि राष्ट्र क्या होता है और आपने बहुत ही अच्छे से डिटेल में हमारे सभी बच्चों को बताया यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्र बनने के आधार क्या क्या होते हैं सर बिल्कुल जैसे अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था कि राष्ट्र बनने का आधार हमारी साझा संस्कृति हो सकती है जी। हमारा एक इतिहास हो सकता है हमारी भाषा हो सकती है आप अनेक ऐसे देश देखेंगे जहां भाषा के आधार पर ही जो है देश बने हुए हैं राष्ट्र बने हुए हैं और हमारा धर्म भी हो सकता है बहुत सारे धर्म के आधार पर राष्ट्र बने हुए हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें अगर एक जगह मिल जाए या एक जगह एक ही चीज हो तो उसके आधार पर राष्ट्र बन जाएगा तो जो मैंने बताया कि साथ मिलकर काम किया है अतीत में आज भी काम कर रहे हैं और आगे भी मिलकर काम करने की इच्छा है तभी वो राष्ट्र बनेगा नहीं तो नहीं तो राष्ट्र बनने के आधार आपका संस्कृति हो सकती है धर्म हो सकता है राष्ट्रीयता हो सकती है कोई क्षेत्र हो सकता है कोई भाषा हो सकती है कोई इतिहास हो सकता है लेकिन इन सब से मिलाकर भी जो महत्वपूर्ण चीज है कि साथ मिलकर आगे चलने की इच्छा हो बनी रहनी चाहिए नहीं तो जो राष्ट्र बने हुए भी हैं वो भी टूट जाते हैं जी जी सर ये तो बात हुई कि राष्ट्र बनने के आधार क्या है अगर हम आधुनिक राज्य की बात करें तो राष्ट्रवाद के रूप में पहली अभिव्यक्ति कहा प्रकट हुई थी हम आपसे जानना चाहेंगे सर। बिल्कुल प्यारे बच्चों पहली जो अभिव्यक्ति है आधुनिक समय में तो हम ये मानते हैं कि यूरोप में जो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई वो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति के रूप में जानी जाती है इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे एक चित्र है फेडरिक सारियू ने एक चित्र बनाया उन्होंने चार चित्रों की श्रृंखला बनाई और इस चित्र में अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको अलग अलग झंडे दिखाई देंगे अलग अलग पोशाकों में लोग चलते हुए दिखाई देंगे स्वतंत्रता की मूर्ति दिखाई देगी जमीन पर पड़े हुए मुकुट दिखाई देंगे और आसमान में आप देखेंगे देवदूत और ईसा मसीह का समर्थन भी आपको दिखाई दे रहा है उनकी फूलों की वर्षा है तो इस चित्र के माध्यम से क्या दिखाया जा रहा है इस इसपे हम थोड़ी चर्चा कर लें कि इसमें फेडरिक सारियू ने कल्पनादर्श यानी एक कल्पना की थी कि पूरे विश्व में लोग अलग अलग राष्ट्रों के रूप में रहेंगे क्योंकि उस समय क्या था कि बहुत सारे जो आ, जो देश थे वो लगभग कुछ ही वंश के यानी कुछ ही ऐसे परिवार थे जो अलग अलग देशों पर राज करते थे है ना विचित्र बात यानी अलग अलग देश हैं अलग अलग उनकी भाषा है अलग अलग उनकी, उनकी संस्कृति है लेकिन उनके ऊपर शासन करने वाले लगभग एक या दो ही परिवार या एक या दो ही वंश शासन करते थे तो इस चित्र के माध्यम से सारियो ने यह प्रयास किया कि भाई इस तरीके से नहीं चलेगा यानी बहुराष्ट्रीय जो जो साम्राज्य हैं उनके स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय उसकी कल्पना थी इसी में आप देखेंगे कि जो चित्र के अंदर जो हमने दिखाया था कि नीचे मुकुट पड़े हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो राजतंत्र है वो नहीं चलेगा जी। सत्ता किसके पास है जो आप लोगों के आप देख रहे हो लाइन देख रहे हो इसके अंदर कि लोगों के अंदर या नागरिकों के अंदर वो जो है शासन करने का आधार आ गया है तो यहां पर जो फेडरिक सारियो ने इसको ईश्वर की मर्जी भी बताया और यह भी कहा कि जो शासकों के द्वारा वो शासन नहीं होगा बल्कि नागरिकों के द्वारा ये शासन होगा जी जी सर यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे जैसे हमें स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद हम इसके उदय के संबंध में हम आपसे बातें जानना चाहेंगे सर देखिए जब मैंने बताया कि फेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी कलाकार था उसने चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया और उन भावनाओं में क्या था कि राष्ट्र जो है ज, 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 जो है शासन का आधार होना चाहिए और कौन सा राष्ट्र जिसके अंदर किसी वंश का किसी शासक का किसी एक परिवार का शासन नहीं होगा बल्कि लोगों का शासन होगा और उसके अनुसार कि ईश्वर भी इस बात को मान्यता दे रहे हैं और राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के रूप में हुई और उसी से पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ उसी के बाद धीरे धीरे अनेक राष्ट्रों के रूप में देशों का पहचान बनी देश पहले भी थे लेकिन राष्ट्र के रूप में नहीं थे वो देश के रूप में थे राष्ट्र के रूप में जो हमने आधार बताए उसके रूप में जिसमें लोग एक सामूहिकता की भावना के साथ सबके साथ जो है उन्होंने राष्ट्र बनाने का आधार किया उसके बाद हम देखते हैं कि स्वतंत्रता बंधुत्व और समानता आप आधुनिक समय में किसी भी लोकतंत्र के उसको उठा के देख लीजिए चाहे भारत का लोकतंत्र भी है तो स्वतंत्रता बंधुत्व और समानता के मूल्य इसमें भी मिलेंगे तो ये तीनों मूल्य जो हैं वो फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा पहली बार जनमानस में आधुनिक समय में आए लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इससे पहले कहीं जो है गणराज्य नहीं था या जो है राष्ट्रवाद नहीं था भारत एक राष्ट्र के रूप में बहुत पहले से भी हम उसको पढ़ते आए हैं जी और गणराज्य भी रहा है जैसे जो है मगध गणराज्य था तो वहाँ भी लोग चुन के जो है अपने शासकों को चुनते थे लेकिन वो प्राचीन काल की बात है आधुनिक समय में विश्व में सबसे पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति राष्ट्रवाद की जो है यूरोप में जो है फ्रांस की क्रांति के रूप में सामने आती है जहाँ पर लोगों के समूह ने दार्शनिकों और विचारकों के आह्वान पर जो शासन है उसको उखाड़ फेंका और जो है एक नागरिकों के द्वारा चलाए जाने वाली एक सरकार की स्थापना की और वो राष्ट्र के रूप में प्रकट हुई तो इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये थी कि प्रभु सत्ता यानी कि निर्णय कौन लेगा ये चीज जो है राजतंत्र से नागरिकों के रूप आ, की तरफ जो है स्थानांतरित हो गई ट्रांसफर हो गई ये जो अधिकार है नागरिकों के समूह को मिल गया राजतंत्र की बजाय क्योंकि पहले राजतंत्र में कौन शासन करता था राजा करते थे लेकिन राष्ट्रों की पहचान यह भी है कि राष्ट्रों में राष्ट्र के अंदर जो प्रभु सत्ता है वो नागरिकों के समूह के हाथ में होती है दूसरा सामूहिक पहचान और संयुक्त समुदाय के विचारों का प्रसार हुआ यानी अब इंडिविजुअल या निजी जो है महत्व की बातों को या किसी परिवार को स्थान ना देकर बल्कि हम साझा इतिहास साझी विरासत और संयुक्त समुदाय के ऊपर जो है बल दिया गया और यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि राष्ट्र की अवधारणा के साथ ही चुनाव संविधान समान अधिकार इन सब की बातें भी सामने आने लगी और एक ऐसी केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था भी सामने आई जिसके द्वारा पूरे देश के ऊपर शासन किया जाने लगा तो कहने का मतलब कि राष्ट्र के द्वारा ही राष्ट्र की अवधारणा के द्वारा ही जिसकी पहली अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति के द्वारा होती है तो ये चीजें सामने आती हैं जी जी तो सर ये तो फ्रांसिक क्रांति और राष्ट्र वाद के उदय के संबंध के जो बीच में जो तो संबंध थे वो तो आपने हमें बताए तो बताया तो हम हमारे पास अभी काफी समय है इस सत्र में। हाँ। और हम काफी चीजें आपसे जानना चाहेंगे तो और क्या कुछ है आपके पास बिल्कुल इसमें ना जो फ्रांसीसी क्रांति है वो कोई ऐसा नहीं था कि एकदम ही सारी चीज परिवर्तित हो गई तो राष्ट्र बनने का आधार जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर क्रांति के द्वारा हुई यानी राष्ट्र जो बना लेकिन उसमें सबसे ज्यादा सहयोग किन का रहा कि वहाँ के जो विचारक थे जैसे मैंने अभी आपको चित्र दिखाया फेडरिक सारियो उसका क्या योगदान है कि उसने चित्र के माध्यम से लोगों के अंदर अपनी भावना को प्रस्तुत किया इसी तरीके से बहुत सारे विचारकों ने बहुत सारे दार्शनिकों ने लोगों के बीच में राज्य क्या है राष्ट्र क्या है उसके लिए उनके अपने जो विचार थे वो सामने रखे जैसे अर्नेस्ट रेनन नाम के एक विचारक ने सबसे पहले राष्ट्र शब्द की जो है परिभाषा दी जो भी हमने सबसे पहले आपके साथ बात की थी कि समान अतीत का होना समा साझा इतिहास होना महापुरुषों की गाथाएं होना लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि अतीत में साथ मिलकर काम किया है साथ मिलकर आज भी काम कर रहे हैं और भविष्य में भी ऐसे ही मिलकर काम करने की इच्छा है तभी वो राष्ट्र बनता है नहीं तो राष्ट्र अक्सर वो भी टूट जाते हैं अब यहाँ पर आता है कि इसकी फ्रांस की क्रांति के द्वारा राष्ट्र निर्माण या राष्ट्र की जो नई चीज़ें हैं वो सामने कैसे आगे बढ़ें तो इसमें नेपोलियन संहिता जो है वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नेपोलियन संहिता 1804 के अंदर नेपोलियन के द्वारा स्थापित की गई संहिता माने कानून की कुछ व्याख्याएं थी कुछ नीतियाँ कुछ कानून बनाए गए नेपोलियन के द्वारा इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया गया था उसने जन्म से जो मिले हुए विशेष अधिकार होते हैं उनको समाप्त कर दिया okay. और जब जन्म से मिला कोई विशेष अधिकार ही नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि कानून के सामने सब बराबर हैं 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 तो आज भी आप देखेंगे जो लोकतंत्र हैं, जो लोकतंत्र राष्ट्र का आधार वहां पर हम जो कहते हैं कि कानून का शासन है कानून के शासन का मतलब यही है कि कानून के सामने सबको बराबरी है और सबको बराबरी कब होगी प्यारे बच्चों जब जन्म से कोई विशेषाधिकार किसी को भी ना मिला हो तो पहली बार यूरोप के अंदर नेपोलियन संहिता के द्वारा जन्म आधारित विशेषाधिकार वो किनको मिले हुए थे आपको याद होगा फ्रांस के अंदर तीन एस्टेट थे प्रथम एस्टेट जिसमें शासक और वो पादरी वर्ग था और द्वितीय एस्टेट जिसके अंदर कुलीन वर्ग था इनको जन्म से ही विशेषाधिकार थे ना तो इनको टैक्स देना पड़ता था और कोई अपराध होने पर भी इनके साथ कोई जो है इनको दंड नहीं मिलता था तो इस तरीके से हम देखते हैं कि विशेषाधिकार जो जन आधारित थे वो समाप्त कर दिए गए दूसरा निजी संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया इससे पहले निजी संपत्ति का अधिकार बड़ा ढीला ढाला था यानी कि संपत्ति जो है वो राजा की या राजतंत्र की या शासक की मर्जी होती थी कभी भी उस पर अधिकार कर ले तो यहाँ पर पहली बार संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया कि जो आपकी निजी संपत्ति है वो आपकी है उसको कोई दूसरा नहीं ले सकता इसके अलावा सामंती व्यवस्था जो थी सामंती व्यवस्था वो सामंत लोग वो सरदार लोग जो कड़ी के रूप में काम करते थे और जनता के ऊपर किसानों के ऊपर जो है मुख्यतः जो है जमीन के मालिक होते थे और एक बहुत बड़ा आधार होते थे राजतंत्र को चलाने का तो सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया किसानों की भू दासत्व यानी कि ज़मीन के साथ जो दासता थी उनकी या उसके साथ जुड़े रहते थे उसको समाप्त कर दिया जागीरदारी जो शुल्क थे वो समाप्त कर दिए गए इसके बाद नेपोलियन ने जो प्रशासनिक विभाजन थे उनको बहुत सरल कर दिया कि प्रशासन कैसे चलाया जाए। देशों में कारीगरों को अब ध्यान दीजिए कारीगरों को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे संघ बने हुए थे और उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर कोई भी कारीगर या कोई भी जो हाथ का काम करते थे वो अपने माल को ना बना सकते थे ना बेच सकते थे तो इसका मतलब क्या होता था इसका मतलब ये होता था राजा की तो मर्जी चली रही है शासक की मर्जी तो चली रही है इन संघों का भी बड़ा नियंत्रण रहता था तो नेपोलियन संहिता ने नगरों में कारीगरों के जो श्रेणी संघ थे उनको श्रेणी संघ कहते हैं गिल्ड भी कहते हैं उनको समाप्त कर दिया उनका नियंत्रण समाप्त कर दिया और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि पूरे देश में अलग अलग, अलग जगह पर अलग अलग नाप तोल थी इसका मतलब कि उस समय फ्रांस के अंदर जर्मनी के अंदर अलग अलग जगह जो किलो है उसके अंदर कहीं 800 ग्राम का किलो है कहीं 900 ग्राम का किलो है कहीं हज़ार ग्राम का किलो है इसी तरीके से एक मीटर में कहीं सतासी सेंटीमीटर है कहीं 90 सेंटीमीटर हैं कहीं 100 सेंटीमीटर है तो okay. इस तरीके से बड़ी अव्यवस्था थी तो नेपोलियन ने पहली बार एक समान कानून पूरे देश के लिए समान भार और माप यानी कि नापने का और वजन का और एक राष्ट्रीय मुद्रा पूरे देश पर लागू की गई तो उसके द्वारा एक तरीके से राष्ट्र कैसे बनना चाहिए किस तरीके से उसको आगे ये जो व्यवस्था जो है एक सुचारू चलनी चाहिए तो उसका आधार दिया गया और यातायात और संचार के साधनों पर उसने विशेष बल दिया और पूंजी पूंजी पैसा नहीं पूंजी यानी कि काम करने के लिए जो हम जो भी साधन लगाते हैं वो पूंजी होती है उसके लाने ले जाने में सरलता बनाई और प्यारे बच्चों यहाँ याद दिलाने ज़रूर चाहूँगा कि आज भी अगर हम देखते हैं यातायात के साधन संचार के साधन एक मजबूत प्रशासन किस तरीके से एक राष्ट्र को उन्नति लाने में सहायक हो सकता है तो हम ये आज जान पाए कि किस तरीके से राष्ट्र जो है जो लोगों की अभिव्यक्ति है लोगों के जो लोगों को साथ संयुक्त जो भावना है उसको प्रकट करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हम जो है फ्रांस की क्रांति से समझ सकते हैं और राष्ट्र को बनाने में उसको स्थायित्व देने में नेपोलियन संहिता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है जी तो ये तो बात है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय भाग एक इस पर हम बात कर रहे थे और बच्चों आपने जाना कि राष्ट्र क्या है इसके बनने के आधार क्या है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद के उदय के संबंध क्या है ये सभी बातें आपको सर ने बहुत ही विस्तार से बताया मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही सरल और सहज तरीके से ये समझ में आ गया होगा ये पूरा पाठ और समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है सर कि इस सत्र को हम आगे बढ़ाएँ लेकिन जन्मजय सर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप स्टूडियो आए और कोई भी प्रश्न है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर जो है हम अगले सत्र में ले सकते हैं बिल्कुल आप अपने सभी प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे ईमेल के माध्यम से हमारा ईमेल एड्रेस है डी टी एच डॉट क्लास टेंथ एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन आज के सत्र की तारीख और आज के सत्र का पूरा डिटेल आप हमें भेजें ताकि आपके सभी प्रश्न सही सही जगह पर पाए और अपनी सभी क्वेरीज हम तक पहुँचा सकते हैं और इस सत्र को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी लेकिन जाने से पहले हम आपके साथ साझा करेंगे एक बहुत ज़रूरी सूचना एन की पाठ्यपुस्तकों से संबंधित वर्ष दो हज़ार के लिए एन की पाठ्यपुस्तक देश भर में उपलब्ध है आप ये सभी पुस्तकें एन के बिक्री केंद्रों से जाकर ले सकते हैं जो कि नई दिल्ली अहमदाबाद बंगलुरु कोलकाता गुवाहाटी में स्थित है ये बिक्री केंद्र प्रातः साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक कार्यरत रहेंगे पूरे सप्ताह सभी सरकारी छुट्टियों के साथ साथ शनिवार और रविवार को भी और यदि किन्हीं कारणों से आप इन केंद्रों में नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं आपको जाना होगा हमारे वेबसाइट पर जो है डब्ल्यू .ncerd और ये सभी पुस्तकें आपको आपके घर पर निःशुल्क डिलीवर की जाएंगी और अगर यदि आप इनका पीडीएफ वर्जन में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यह सुविधा भी उपलब्ध है आपको जाना होगा एनसीआर -E दीक्षा ई पाठशाला वेबसाइट और हमारे मोबाइल ऐप पर हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारी वेबसाइट एन सी ई आर टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन ज़रूर करें ताकि आपको सभी ऑथराइज वेंडर्स की डिटेल प्राप्त हो एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटर एक्टिव फोन इन सेशन के साथ हाजिर होंगे जो कि साइंस के नाइन्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और हमारा टॉपिक है मैटर इन आर सराउंडिंग्स पार्ट सेकेंड इस विषय पर बात की जाएगी अभी फिलहाल मुझे रेणू भट्ट को दीजिए इजाज़त नमस्कार